आईसीसी ने क्रिकेट के कई नियमों में बदलाव का ऐलान किया है। इसमें स्ट्राइक लेने से लेकर डेड बॉल, नो बॉल, पेनल्टी रन जैसे कई पॉइंट्स पर नियमों में फेरबदल हुए हैं। बता दें कि इसके साथ ही कोविड-19 के दौर से शुरू हुए सलाइवा बैन को भी आगे बरकरार रखे जाने का फैसला किया गया है। सभी नए नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। बता दें कि इन बदलावों के सुझाव मेरिलबोन क्रिकेट क्लब ने पेश किया था। आमतौर पर मेरिलबोन क्रिकेट क्लब के सुझाए हर नियमों को आईसीसी जस का तस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लागू कर देती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। आईसीसी के नए नियमों के अनुसार कैच आउट होने पर नया बल्लेबाज ही बल्लेबाजी करेगा। पहले जब एक बल्लेबाज कैच आउट होता था और अगर वो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को क्रॉस कर लेता था तो इस स्थिति में नया बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर आता था, लेकिन अब स्ट्राइक बदलने पर भी नया बल्लेबाजी ही स्ट्राइक लेगा। कोरोना को देखते हुए पिछले 2 सालों से आईसीसी ने गेंद पर थूक लगाना बैन कर दिया था। अब इस नियम पर अस्थाई प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि अब अगले नियम बदलने तक कोई भी गेंदबाज गेंद पर थूक नहीं लगा पाएगा। गेंद को पॉलिश न करने का नियम साल 2020 में शुरू किया गया था। बल्लेबाज को अब बल्लेबाजी के लिए टेस्ट और वनडे मैच में 2 मिनट के भीतर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार होना होगा। वहीं T20 फॉर्मेट में ये समय 90 सेकंड्स का ही होगा। इससे पहले एक टेस्ट और वनडे मैचों में ये समय 3 मिनट का होता था और बल्लेबाज के न आने पर फील्डिंग कप्तान टाइम्ड आउट कर देता था। अगर फील्डिंग के समय खिलाड़ी जानबूझकर गलत तरीके से मूवमेंट करता है तो बल्लेबाज को 5 रन पेनल्टी के रूप में दिए जाएंगे। पहले इस गेंद को डेड बॉल करार दिया जाता है और बल्लेबाज के शॉट को कैंसिल कर दिया जाता था। कोई गेंद अगर पिच से दूर गिरती है तो अब बल्लेबाज को पिच पर ही रहना होगा। अगर कोई बल्लेबाज पिच से बाहर निकलता है तो अंपायर उसे डेड बॉल दे देगा। कोई भी गेंद जिस पर बल्लेबाज पिच छोड़कर शॉट खेलने पर मजबूर होगा, इसे नो बॉल दिया जाएगा। स्लो ओवर रेट का नियम जनवरी 2022 T20 फॉर्मेट में लागू किया गया था, जिसमें स्लो ओवर रेट को देखते हुए टीमों पर जुर्माना लगाया जाता था। अब ये नियम वनडे में भी लागू होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। डेस्क से गोविंद की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।